प्रदेश में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले 3 लोगों के खिलाफ उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पिछले दिनों दलित लड़की के साथ रेप किया गया था, उसे अगवा करके उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस मामले के अंदर कोर्ट ने अब स्पेशल कोर्ट के द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये घटनाक्रम अब जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने रेप पीड़ित दलित लड़की के मामले में इंसाफ करते हुए गुनाहगारों को सजा सुना दी है। बरेली की अदालत ने 16 साल के दलित लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन्होंने अदालत ने हर दोषी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पोस्ट को रामदयाल की अदालत ने सोमवार को इस मामले में दीपक 32 साल, हरिओम 34 साल, राजकुमार 35 साल को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील शुभम कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला साल 2014 में जिले के फतेहगंज इलाके में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि वारदात के वक्त आरोपी दीपक, हरिओम और राजकुमार उनकी बेटी को अगवा कर दिल्ली ले गए, जहां पर उसके साथ बलात्कार है वो करते रहे। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस की छानबीन को पता चला कि आरोपी लड़की को दिल्ली ले गए। 3 महीने बाद पुलिस ने दिल्ली से दबिश देकर लड़की को बरामद किया, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की थी और इसी के चलते ये मामला कोर्ट में चल रहा था। और अब आपको बता दें कि सजा सुनाते हुए उम्र कैद की आरोपियों को सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुल्म जाति की खबरें लगातार आती रहती है और उनके मामलों के अंदर कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली सजा की खबरें भी अब लगातार आप तक प्रकाशित की जाएगी। इस मामले के अंदर कहना यही है कि अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलती है, लेकिन पीड़ित जो होता है उसे कई सालों तक इसका जख्म है वो भरना पड़ता है।